आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप 12th के बाद क्या चीज सीखें जिससे कि आपको आसानी से कंप्यूटर पर किसी कंपनी में या कहीं पर भी आप आसानी से काम पा सकें। तो आप लोग जैसे ही आपके मन में ये विचार हमेशा आता रहता है, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे 12th के बाद क्या चीज सीखना चाहिए, या फिर आप ये भी सोचते हैं कि हम किसी कंपनी में जाएंगे तो हमें कंप्यूटर पे काम मिलेगा, कैसा काम मिलेगा, हमको क्या करना होगा, तो ये सब देखते हुए आप लोग के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। आपको इसमें हम बताएंगे कि अगर आप 12th पास कर लेते हैं उसके बाद आप कंप्यूटर में इन चीजों को सीखते हैं तो आपको कंप्यूटर पर काम करने में आसानी होगी और आसानी से आप किसी भी जगह पर, कुछ ऐसे जगह जहां पर आपको मैं अभी आगे बताऊंगा कि आप वहां पर जाके इन चीजों को पढ़ने के बाद आप कंप्यूटर पे आसानी से काम कर सकेंगे। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो आप लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये कैसा। अगर आप कहीं पे भी जाके आप डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का आप काम करना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटल में आप काम करना चाहते हैं, होटल में काम करना चाहते हैं, या वेयर हाउस में आप काम करना चाहते हैं, या किसी शॉप में काम करना चाहते हैं, टेलीकॉम कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, या अकाउंटिंग यानी अकाउंटेंट से रिलेटेड आप अगर जो कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए जो आप 12th के बाद या 10th के बाद आप सीख सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद आप सीख सकते हैं। मतलब सीखने का आपका कोई लेवल नहीं होगा, लेकिन अगर जो आप 12th पास करके आप कहीं पे काम करना चाहते हैं ऐसी चीज़ों में, कंपनी में ऑपरेटर, होटल, वेयर हाउस, शॉप, टेलीकॉम कंपनी या अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो आपको दो टाइप के आपको सिलेबस आने चाहिए। नंबर एक, आपको तो पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा होता है एक मॉडरेट सिलेबस, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर बेसिक की। अगर आप कहीं पे भी काम करना चाहते हैं किसी कंपनी में तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। देखिए, बेसिकली तो आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट कर लेना, रिस्टार्ट करना, शट डाउन करना। जैसे आजकल देखा जाता है कि जो भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर वो डेस्कटॉप पे सीखे हैं तो लैपटॉप को अच्छे से नहीं चला पाते हैं, या लैपटॉप पे सीखे हैं तो डेस्कटॉप को नहीं चला पाते हैं, तो उनको ये चीज़ों का, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए वो अपने आप को एकदम पूरा प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें कि हम कोई भी कंप्यूटर होगा उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, रिस्टार्ट कैसे करेंगे, उसको शट डाउन कैसे करेंगे, तो उनको ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है इसमें कि आपको डॉक्यूमेंट स्कैनिंग आना चाहिए और प्रिंटिंग आना चाहिए। यानी आप किसी भी ऑफिस कंपनी कहीं पर भी आप काम करना चाहते हैं या काम करते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट मिलेंगे जिसको आपको स्कैन भी करने होते हैं, आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट है तो उसको प्रिंट भी करने होते हैं, तो ये बेसिक नॉलेज है, आपको इसको आना चाहिए। दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन बनाना, जैसे आपको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो जाए या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आया हुआ है तो उसको रिसीव कैसे करते हैं ऑनलाइन, तो आपको कंप्यूटर पर जनरली आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट को कनेक्ट करना आना चाहिए, और किसी भी चीज़ को आप कैसे भेज सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये चीज़ आपको आना जरूरी है। बेसिक हार्डवेयर कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी आपको जैसे मान लेते हैं आपके पास कंप्यूटर है, आपके ऑफिस में कंप्यूटर लगा, आपका कीबोर्ड खराब हो गया, आप दूसरा कीबोर्ड कैसे जोड़ेंगे, माउस कैसे जोड़ेंगे, उसमें मॉडेम कैसे लगाएंगे, तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, बेसिक हार्डवेयर रहिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग, यानी अगर आप कंप्यूटर में अपने, यानी आपके पास कंप्यूटर उसमें कुछ नया डिवाइस जोड़ रहे हैं तो उसके ड्राइवर को आप कैसे, उसके सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए। कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी आपको आने चाहिए, यानी जैसे बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो हर एक जगह पे प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ऐसे शॉर्टकट्स आपको आना चाहिए। यानी आपको जो है जैसे कि कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, ठीक है, प्रिंट करना, ऐसे शॉर्टकट्स आपको आना जरूरी है, सेव कर लेना, क्लोज करना, तो ये बेसिक नॉलेज यदि आपको आ रहा है तो आप आसानी से कहीं पर भी आप छोटा मोटा जो काम होता है जैसे ऑफिस का हो गया या और कोई भी काम हो गया तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम मॉडरेट अगर जो सिलेबस सीखे होते हैं तो हमको बहुत सारी जगहों पे हम लोग काम कर सकते हैं, चाहे वो होटल हो, शॉप हो, टेलीकॉम कंपनी हो, ठीक है, ऐसे चीज़ों को हम आसानी से कर सकते हैं, तो आपको मॉडरेट आना चाहिए। तो बेसिक हो गया, तो
जैसे अगर जो आप ऑफिशियल जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए तीन चीजें होती हैं, वो मस्ट होती हैं। जैसे ऑफिस आना चाहिए, बेसिक इंटरनेट आना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए। ऑफिस में आपका प्रोग्राम होता है वर्ड, जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। दूसरा आपका है एक्सेल एडवांस, यानी आपको एक्सेल आना ज़रूरी होता है, आपको पावर पॉइंट आना ज़रूरी होता है, यानी वर्ड में आप डॉक्यूमेंट से संबंधित काम करते हैं, एक्सेल में आप कैलकुलेशन से संबंधित काम करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से जो रिलेटेड इसमें काम करते हैं, जो कि आप इस समय आप देख रहे हैं वीडियो में। ईमेल कम्युनिकेशन, यानी बेसिक इंटरनेट में आप ईमेल कम्युनिकेशन, जैसे कि ईमेल को भेजना, ईमेल को प्राप्त करना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आना ज़रूरी होता है। दूसरा होता है डाउनलोडिंग फाइल, यानी आप किसी भी वेब सर्वर से आप किसी फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं या कैसे अपलोड करते हैं, तो ये डाउनलोडिंग सिस्टम भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आना चाहिए। तीसरा है मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी आप किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट होता है तो उसको ऑनलाइन आप कैसे करते हैं, यानी आप ऑनलाइन पेमेंट किस प्रकार से करते हैं, UPI, भीम UPI या फिर ऑनलाइन जो आजकल के जितने भी हमारे पास, जैसे SBI हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब में जो होता है ऑनलाइन पेमेंट करने का भी ऑप्शन अब देता है। क्योंकि इसमें अब इंटरनेट बैंकिंग होती है तो आप आसानी से, आप अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिक इंटरनेट में आना बहुत ज़रूरी होता है। टाइपिंग की अगर जो हम बात करते हैं, तो किसी भी आप ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए तो टाइपिंग वहाँ पे मस्ट होती है, और टाइपिंग की जो स्पीड होती है उसकी रिक्वायर तो होती है 25 वर्ड प्रति मिनट, लेकिन अगर आप इसको कम थोड़ा कर लेते हैं, यानी कि 25 वर्ड प्रति मिनट भी करते हैं तो भी चल जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग हालांकि सबकी अच्छी होती है, तो इसकी जो मांग होती है, रिक्वायर होती है, वो 40 वर्ड प्रति मिनट होता है। तो ये आपको ऑफिशियल जॉब में आना बहुत जरूरी। तो अगर आप इन मॉडरेट लेवल्स को आप सीख जाते हैं तो आप ऑफिशियल कोई भी काम आप आसानी से कहीं पे भी आप जाके कर सकते हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, ऐसे बहुत सारी जगहों पे अगर आपको ऑफिशियल वर्क मिलते हैं, जहाँ चाहे वो कैलकुलेशन से संबंधित हो, डॉक्यूमेंट्री हो, या कोई प्रेजेंटेशन हो, या इंटरनेट से रिलेटेड हो, तो आप आसानी से वहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको उसमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। और ये आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी ऑफिस और बेसिक इंटरनेट टाइपिंग, तो आप कहीं पे भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। पर्टिकुलर आपको अगर कहीं पे आपको और भी काम करने होते हैं, तो आज के समय में हर एक कंपनी, हर एक शॉप, हर एक हॉस्पिटल अपने खुद का जो है वो सॉफ्टवेयर बनवा रखता है, जहाँ पे उसी के सॉफ्टवेयर पे आपको काम करने होते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आते नहीं। लेकिन इनका आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि उनके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर जरूर रहेंगे, इस पे काम करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, यदि आप अकाउंटेंट, यानी आप अकाउंटेंट से संबंधित कोई आप काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपको मस्ट है सबसे पहले बड़ी चीज़ इसमें कि टैली आपको आनी चाहिए। यानी अगर आप टैली सीखे हुए हैं बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आपको अकाउंट का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए टैली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी एक बैंक में जो है, एक बैंकिंग का जो है क्षेत्र मैं भी देखता हूँ, बैंकिंग का काम मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ, तो उसमें भी मैं देखता हूँ कि आप देखेंगे उसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो टैली की ही सारी चीज़ें उसमें दी गई होती हैं, इसके सारे लैंग्वेज आपके उससे मैच करेंगे। तो आपको टैली अगर जो आप किसी कंपनी में भी, ठीक है, आप काम करना चाहते हैं, या फिर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड कहीं पे भी आप काम करना चाहते हैं, तो आपको टैली आना मस्ट है, आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप काम करना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ में आपको एक्सेल भी आना चाहिए, यानी आप कहीं पे भी आप काम करते हैं अकाउंटिंग, तो आपको एक्सेल आना भी जरूरी है, यानी कि टैली के साथ साथ आपको एक्सेल भी आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपको टैली रहेगा वहाँ पे आपको एक्सेल की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। फिर आपको एक्सेस भी आना चाहिए, ठीक है, आपको एक्सेस बेस में आना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस फाइल जो बनती है वो हमारे एक्सेस प्रोग्राम में बनती है। हमको इंटरनेट भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो बिल होता है वो हम ऑनलाइन रिसीव करते हैं, ऑनलाइन क्या होता है यहाँ से डिस्पैच भी करते हैं, तो ये हमको इंटरनेट भी आना चाहिए अगर हम अकाउंट का काम करना चाहते हैं तो। अगर आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं 12th के बाद 10th के बाद, तो आप कहीं पे भी आप आसानी से जाके अकाउंटिंग का काम आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आपको इसके लिए आपको ये चार प्रोग्राम आपको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर जो आप अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं तो। प्रिंटिंग तो आपको आनी ही चाहिए, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर आपका है अगर
मान लेते हैं आपके पास कोई ऑफिशियल वर्क आता है, तो आप अपने एमएस वर्ड का, जो मैंने अभी ऑफिस सूट में दिखाया कि आप अपने एमएस वर्ड में आप कौन कौन से काम करेंगे, तो आपको इसमें करना होगा सबसे पहले, यानी कि आपको जो काम मिलने वाले हैं कहीं पे भी आप काम करते हैं, तो आपसे हो सकता है बनवाया जाए बिजनेस, कोई लेटर बनवाया जाए बिजनेस का लेटर आपसे, कोई प्रपोजल आपको दिया जाए बनाने के लिए, लेटर हेड बनाना हो रहेगा आपको, बिल बुक बनाया भी पड़ सकता है आपको, फॉर्म भी बना सकते हैं इसमें आप, कोई प्लान्स भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट भी इसमें आप बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें आप कर सकते हैं। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में हमारे पास जो काम आने वाले हैं वो एक्सेल में हमको किस प्रकार के काम मिलेंगे, तो एक्सेल में हमको पेरोल मैनेजमेंट मिल सकता है, यानी पेरोल क्या होता है, जैसे आपके पास जो जितने भी कर्मचारी होते हैं एम्प्लॉय होते हैं उनका पूरा डेटाबेस इसमें मेंटेन किया जाता है, कौन कितना दिन काम किया, उनका अटेंडेंस वगैरह सब कुछ इसमें मेंटेन करते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, यानी हमारे पास जो है अब कितने सामान हैं, कितने टाइप के सामान हैं, कौन कौन से हैं और उनका प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें मेंटेन करनी होती है। इनवॉइस क्रिएशन, यानी हम बिल कैसे बनाएंगे, जो जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका बिल तैयार करना, यानी कि इनवॉइस करना, तो इनवॉइसिंग आपको इसमें बनाना पड़ेगा। अटेंडेंस सीट आप इसमें बना सकते हैं, चाहे स्कूल हो, कंपनी हो, संस्था हो, हॉस्पिटल हो, कहीं का भी हो, आप इसमें अटेंडेंस सीट बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ आप पेरोल हो, इन्वेंट्री हो, कुछ भी हो और उसको एक ग्राफ में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चार्ट भी बना सकते हैं आसानी से, आपको एक्सेल में काम करने पड़ सकते हैं। रजिस्टर आप बना सकते हैं, यानी कोई स्कूल, कंपनी, संस्था, किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्टर है तो आप इसमें बेहतर तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं अपने एक्सेल में। साथ में आप कैलकुलेशन अगर जो देखें तो इसमें कैलकुलेशन जो होते हैं बड़े स्तर तक के होते हैं, आपको कम से कम इसमें 200 से 300 फार्मूले आपको आसानी से सिखाए जाते हैं, या आपको 200 से 300 फार्मूले सिखाए जाते हैं कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी कैलकुलेशन करना हो जाए, चाहे वो मैथमेटिकल हो, लॉजिकल हो, ठीक है, तो आप उस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें वो कैलकुलेशन, यानी जो आप एक मैथ में पढ़ते हैं वो सारे कैलकुलेशन इसमें आपको सिखाए जाते हैं। इसमें आप अगर इस चीज़ को सीख लेते हैं तो आपको काम करने पे कहीं पे भी प्रॉब्लम, इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपको जॉब करने में या जॉब पाने में या किसी कंपनी में काम करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप छोटे स्तर पे भी काम कर सकते हैं, बड़े स्तर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको उतनी चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके पास तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे भी आप जा सकते हैं। आप इतनी चीज़ों को आप अगर जो सीख लेते हैं तो आपको जितनी चीज़ें मैंने बताया है कि आप जैसे कि आप किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि आपको बैंक वगैरह में लगा दिया गया या किसी ऑफिस में लगा दिया कि आपको बस इसको पूरे कंप्यूटर पे अपडेट करना है, कि पूरे कंप्यूटर पे इसको चढ़ाना है इस डाटा को, तो डाटा एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं पे आप क्लर्क का काम करते हैं तो आपको वो चीज़ें अगर जो आती हैं तो कर लेंगे। हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में चाहे वो बिल बनाना हो जाए, ठीक है, या फिर आपको जो बोलते नहीं है पर्ची काटते हैं, पर्ची बनाना हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई होटल है, होटल में किसी भी प्रकार के कंप्यूटर से रिलेटेड काम दिए जाएंगे, आप उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। वेयर हाउस है, बड़े बड़े मॉल होते हैं, उनमें आपको काम करने हो जाए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई शॉप है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिल निकालना हो, स्टॉक मैनेजमेंट हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, तो ऐसे सारे काम सीख सकते हैं जो सिलेबस मैंने बताया है, सारे के सारे। टेलीकॉम कंपनी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 100% आप कर सकते हैं। आप अकाउंटिंग की अगर जो बात करते हो, अकाउंटिंग भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं, और आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को और भी बड़े स्तर से जानना चाहते हैं, डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आपको किस कोर्स में ये सिलेबस मिलते हैं आपको वो भी जानना है तो आगे वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि समझ में आया, नहीं समझ में आया, किस कोर्स को करना चाहिए, किस में सिलेबस मिलते हैं, कितने महीने की होती है, रिक्वायरमेंट क्या होता है, फीस कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएं।